स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं अभी द बहामास कंट्री में और उनकी कैपिटल सिटी नासाउ में। द बहामास एक छोटा सा आइलैंड नेशन है, दरअसल अटलांटिक ओशन में पड़ता है, यूएस से काफ़ी नज़दीक है। मोस्टली यूएस के टूरिस्ट यहां पे आते हैं, जैसा आपने पिछली वीडियो में देखा ही होगा। हमने फ्लाई किया था जमैका से और जमैका से हम आए थे बहामास के एयरपोर्ट पे। बहामास के एयरपोर्ट पे हम उतरे तो पता चला कि बहुत ही महंगा है ये देश। हालांकि मैं पहले से आइडिया था, पर उतरते ही जैसे हमारा होटल था सिर्फ 2-2.5 किलोमीटर और उसके टैक्सी के जो रेट थे वो फिक्स रेट थे $25, लेकिन कोई भी $25-30 से कम में जाने को तैयार ही नहीं था। मतलब 2,500 रुपये 2 किलोमीटर, जो कि 5 मिनट दिखा रहा था गूगल मैप से, कोई ट्रैफिक नहीं इधर 5 मिनट के सफ़र के। तो हमने डिसाइड करा कि भी हम पैदल ही चलते हैं। ये बाकी हमारा अकोमोडेशन है जिधर हम रुके हुए, काफ़ी खूबसूरत है। इधर एक स्विमिंग पूल है, ऊपर हमारा कमरा है, कमरे से ही सामने समुद्र दिखता है। वो देखो, जगह का नाम भी वाइकिंग हिल ओशियन फ्रंट है, तो बिल्कुल ओशियन फ्रंट ही है। लेकिन परेशानी की बात है कि आसपास कोई सुपरमार्केट नहीं है, रेस्टोरेंट सिर्फ 1-2 है, पर ये भी काफ़ी फैंसी। और कल रात को मैं नवांगपुर तो सो गया था, मैं इधर खाना खाने गया तो फुल थे, मतलब इतने बिजी थे, क्योंकि मोस्टली पैसे वाले लोग आते हैं इस देश में हनीमून बनाने या फिर घूमने के लिए, तो हमारे जैसे टूरिस्ट कम आते हैं। मतलब अपने इंडिया से तो वैसे ही कितनी दूर हो गया, कोई फ्लाइट ही नहीं है। अमेरिका होके आना पड़ता है, कनाडा होके आओ या फिर यूरोप होके आओ, और आगे उसके बाद फिर ट्रैवल करना यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे सिर्फ गिनी चुनी बसेस चलती है, और वो भी शाम के 6-7 बजे तक, उसके बाद बस भी नहीं मिलती। अच्छी बात यह है कि बस स्टेशन कोई डेजिग्नेटेड स्टेशन नहीं है, सड़क पे बस जा रही है उसे कहीं भी आते दो रुक जाएगी, और आपको जहाँ भी उतरना हो बस वाले को बोल दो स्टॉप, वो वहीं पे रुक जाएगा। तो ये चीज़ थोड़ी ठीक है, पर अब हम बस का इंतज़ार करते हैं। हम जाएंगे अभी शहर की तरफ, अभी हम शहर से थोड़ा दूर है, एयरपोर्ट के पास है। वैसे तो ना यहाँ पर ट्रैवल करने का सबसे आसान तरीका है, अपनी गाड़ी रेंट पे लो या फिर टैक्सी में घूमो और देशों से। लेकिन हमने नोटिस कराया यहाँ पे गाड़ी रेंट भी बहुत महंगा था, और गाड़ी थी नहीं, सोल्ड आउट थी कल तो सारी। मतलब जहाँ आपको और देशों में, महंगे देशों में भी दिन के $30-40 में छोटी गाड़ी मिल जाती है, वहीं इधर वही गाड़ी $75-80 की थी, और उसमें इंश्योरेंस वगैरह तो बाकी चीज़ें अलग है, एडिशनल ड्राइवर और वो एक्स्ट्रा चार्जेस मिला के $100 प्लस एक दिन का जाएगा गाड़ी का, प्लस उसका फिर पेट्रोल वगैरह का खर्चा। पर गाड़ी थी नहीं, दूसरा ऑप्शन है टैक्सी। टैक्सी में आप कहीं भी जाओगे मिनिमम $24-25 तो लगेंगे ही लगेंगे, और वो डिपेंड करता है डिस्टेंस कितना होगा, उस हिसाब से होगा। तो यूँ लगा लो मतलब 3-4 हज़ार रुपये शहर में कहीं जाने के टैक्सी के आपके एक साइड के ही लग जाएंगे देखा जाए तो। और गाड़ी लोगे तो इससे शायद थोड़ा सस्ता पड़े अगर आप ज़्यादा ट्रैवल करो, तो गाड़ी लेना फिर भी बेटर ऑप्शन है इंस्टेड ऑफ टैक्सी। और टैक्सी आपको पता भी नहीं हर वक्त मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट आता है जो कि है बसेज, यहाँ पे जो मैंने आपको बताई। हमारे हॉस्टल में एक दो लड़कियों ने बताया कि इतनी फ्रीक्वेंट नहीं है पर मिल जाती है, बस काफ़ी सस्ती है इन चीज़ों से कंपेयर करें तो। मेरे ख्याल $125 की टिकट होगी, वो भी अपन देख लेंगे। तो सड़क पे खड़े हम इंतज़ार कर रहे हैं बस का। मैं बाकी बहामास थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूँ, 14,000 स्क्वायर किलोमीटर इनका एरिया है, बाकी जो भी आइलैंड नेशंस है वेस्ट इंडीज़ के आसपास जो, उनसे थोड़ा बड़ा है, और 4 लाख के करीब इधर की पॉपुलेशन है। काफ़ी अमीर देश है ये, और जो भी इसके आसपास देश है उनके हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि बहुत अमेरिकन टूरिस्ट आते हैं, बहुत अमेरिकन को अट्रैक्ट करते हैं। और इनकी जो करेंसी है बहामन डॉलर, वो इन्होंने लॉक रखी है, $1 = 1 बहामन डॉलर, और चाहे आप $ US में ही पेमेंट कर दो हर जगह। बाकी नो डाउट इनका समुंदर खूबसूरत है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। भाई ये आने लग रही है बस एक दीवात, रुक गई, चलो जहाँ पे रुकेगी उतर जाएंगे, चलते रहो भाई। ये देखो इनने सामने से हाथ दिए और ये रोड की दूसरी साइड थे, हाथ देते ही बस रुकी और ये रोड की इस तरफ आ गया। बाकी भाई 90% तो यहाँ के लोकल्स वही है, ब्लैक सी है, पर इनकी जो जितने भी इकॉनमी है ना सारी मोस्टली टूरिस्ट पे टिकी हुई है, तो इसलिए आपको इतने गोरे अंग्रेज लोग दिखेंगे। लोकल तो यहाँ के 90% से थोड़े ज़्यादा है, 90% काले है, 4-5% यूरोपियंस है, और बाकी 4-5% जो बचे वो अदर से सारे ही आ गए उसमें। कोई भी दिख जाए रोड पर एकदम से खड़े ब्रेक मार देंगे, चाहे कितनी स्पीड में चल रही हो, और कोई स्टॉप नहीं है बस का जैसा मैंने बताया। सही भी है एक हिसाब से, पर गलत भी है, बार बार रुकती रहती है बस। इधर भाई इन लड़कियों ने हाथ दिया, उसी वक्त रुकी तुरंत,
और भाई पीछे से किसी ने बोला कि रोक दो, उसी टाइम रुक गया, कहीं भी रुकवा लो। अभी एक लड़की खड़ी थी, इंतजार कर रही थी, तो जगह नहीं थी, तो बोल इसने अंदर से रुका मार दिया, जगह नहीं है। वो लड़की रुकवा तेरी रोकी नहीं, बस चलती गई। तो मैंने खिड़की खोल के बाहर रुका मार दिया कि भाई नो मोर सीट्स। तो नवांकुर ने लिए $10 का नोट और हम दोनों के मिला के $3 बताए इन्होंने, शायद $1.5 की टिकट होगी। तो बेचारी बच्ची से बैठी, इन्हें बोला इन्होंने कि आप निकाल के दे दो। तो इस बच्ची ने $60 दे दिए, इधर सारे पैसे रखे हुए ड्राइवर सीट के साथ। ये भाई ये वो वाला इलाका आ गया जिधर सारी क्रूज शिप्स आती है ना, पोर्ट के नज़दीक आ गए हम। बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट की एरिया था, सारे टूरिस्ट दिख रहे थे। अगर अपन क्रूज से आते अपना क्रूज भी इधर रुकता ना। ये खड़ा है क्रूज उधर देखो, ये आखिरी है क्या, ये आखिरी स्टॉप शायद। ओके, तो भाई ये आखिरी स्टॉप है, इधर सारे उतर गए और आखिरी बस है 6:30 बजे में। चल पूरी बस खाली हो गई भाई। भाई इतने सारे अमरीकी भरे पड़े यहाँ पे सारे, और मेरे को तो इतनी भूख लगने लग रही है, आधे घंटे से भी ज़्यादा। अगर मैं और भूखा रह लिया ना तो सही में मैं मर ही जाऊँगा। अब तो कोई खाने की जगह देख रहे अभी सबवे। भाई हम आ गए यहाँ पे सबवे में, सबवे खाने, और इधर के रेट देख लो आप थोड़े, मतलब यूँ लगा लो इंडिया से तो डबल ट्रिपल रेट है, पर फिर भी ठीक है। चलो इस देश के हिसाब से और चीज़ें तो इतनी महंगी है, ये मेरे ख्याल से 1200-1300 का आएगा, टैक्स जोड़ के पता नहीं कितना हो जाएगा। जस्ट अभी बैठ के सड़क किनारे हमने सबवे खाया अपना, और सही था, इतना महंगा तो नहीं था। बाकी चीज़ें जिस हिसाब से इधर महंगी है, $28 के थे शायद दो हमारे 12 इंच वाले, तो वही है कितने लगभग 2,000-2,200 रुपये में दोनों का खाना आ गया। वो खाया और उसके बाद यहाँ पे घूमने लग रहे हैं। मतलब ना यार इतनी टूरिस्टी जगह मेरे को नहीं लगता मेरी लाइफ में मैंने शायद देखी हो। दरअसल एक तो वैसी टूरिस्टी है, सिर्फ टूरिस्ट आते हैं, और ना अभी पोर्ट पे है, और आज क्रूज शिप्स आई हुई है, रोज़ ही आती है, आज मेरे ख्याल ज़्यादा आई हुई है एक आधी तो। और ये सिर्फ 6-7 घंटे का टूरिज्म है, क्योंकि शाम के 5 बजे क्रूज़ के यूजुअली गेट्स बंद हो जाते हैं, तो ये लोग ना शाम के 4 बजे सारे क्रूज़ में चले जाएंगे अपने। अभी बजे दोपहर के 1:45, तो 2 घंटे बाद ना ये सारी भीड़ खाली हो जाएगी। अभी तो मैं साइड में आके वीडियो बना रहा हूँ, इधर आपको इतने लोग नहीं दिखाएंगे क्योंकि मैं एक अलग गली में हूँ। उस मेन रोड पर अगर पीछे जाएंगे ना, या फिर इसके पैरेलल इस सड़क पर जाएंगे, इतने टूरिस्ट भाई पैदल, सारे अमेरिकन जैसे, मतलब वही जो टिपिकल होते हैं इधर बहामास में जो आते हैं उसी तरह के। बहामास की बाकी जो GDP की बात करें तो बहुत ज़्यादा है, $35,000 और एक छोटे से आइलैंड के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। रीज़न वही है कि भी टूरिस्ट इतने आते हैं और मोस्टली पैसे वाले अमेरिकन आते हैं। यहाँ की लोकल पॉपुलेशन मैंने आपको बताया वीडियो में 4 लाख है, लेकिन ऑलमोस्ट आधी से भी ज़्यादा हाँ बच्चे भी है जो कि काम नहीं करते। मतलब 4 लाख में से आधे लोग टूरिज्म से जुड़े हुए इस सेक्टर से, क्योंकि हर आदमी की इकॉनमी उस पर ही चल रही है कि भी क्या काम करे। लोकल हमने ऐसा तो कोई देखा ही नहीं, सड़क पे कोई आदमी घूम रहा है ना तो वो लोकल भी सोविनियर शॉप पे काम कर रहा होगा या फिर ब्रेडिंग कर रहा होगा। जैसे अंग्रेज घूम रहे हैं तो सबसे पूछ रहे हैं कि भी आपको अपने बाल ब्रेड कराने हैं का, ये कराना है, वो कराना है। मतलब लोकल आदमी हमने एक भी ऐसा नहीं देखा जो इधर का ही कुछ काम कर रहा हो जो कि इनसे रिलेटेड ना हो, कि भी जो टूरिस्ट आने लग रहे हैं उनसे रिलेटेड ना हो। अभी तो बाकी कोविड के बाद टूरिज्म कम हो गया था, अब दोबारा उठ रहा है, पर हर साल 5-6 मिलियन टूरिस्ट यानी कि 50-60 लाख टूरिस्ट इधर अगर आते हैं तो उसमें से 70% क्रूज शिप से ही आते हैं, यानी कि समुद्र से। बचे हुए जो 30-1% है वो उससे आते होंगे, प्लेन से एयरपोर्ट होते हुए। ये बीच के कपड़ों की दुकान है शायद, और ये तो आइसक्रीम पार्लर है भाई। अच्छा सोवेनियर्स वगैरह बाकी सब भी है। मतलब भाई गानों वगैरह में सुनते थे ना या पिक्चरों में देखते थे कि भी बहामास जाती है लड़की है, वो देख लिया मैंने, मतलब क्या कल्चर है इधर एक्चुअली। तो बेसिकली अमेरिका में इस वक्त ठंड है, अमेरिका कनाडा वगैरह में वो लोग स्पेशली आते हैं यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, बीच के मज़े लेने के लिए। बाकी जो अभी बीचीज ये कुछ ऐसा और है नहीं, पर ये गर्मी में घूम लिए, छोटे कपड़े पहन लिए, बाल ब्रेड करा लिए, नाखून नेल पेंट करा ली, स्विम वेयर बीच वेयर कपड़े ले लिए, कैफेज़ पे खा लिया, रेस्टोरेंट्स पे खा लिया, बढ़िया रिजॉर्ट्स में रुक गए, बढ़िया होटल्स में रुक गए, यही सब है बस देखा जाए तो। और भी खूब सारे ऐसे आइलैंड नेशन है जिनकी इकॉनमी ऑलमोस्ट टूरिज्म पे ही डिपेंड करती है, जैसे कैरेबियन आइलैंड्स देख लो मोस्टली, पर उनकी GDPs इतनी अच्छी नहीं है जितनी इसकी है। मेन कारण ये कि जितने पैसे वाले मेन टूरिस्ट है ना वो सारे ये ले लेता है, और ये अमेरिका के बहुत नज़दीक है, फ्लोरिडा से काफ़ी पास में है बहामास, तो उन्हें दूर जाना नहीं पड़ता। और इन्होंने सारा काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रखा है, एयरपोर्ट भी आप देखोगे इतना बढ़िया बना रखा है, US डॉलर हर जगह एक्सेप्ट होते हैं, डॉलर में पेमेंट हो जाती है, लोग इंग्लिश बोलते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है ही,
तो मेरे ख्याल से अमेरिकन के लिए आइडियल लोकेशन है ये, और उसी वजह से इतना पैसा कमा रहे। हर चीज़ कोई जैसे डंकिन डोनट्स है, वेंडीज़ है, मैकडॉनल्ड्स, हर जो भी फास्ट फूड चेन है जो अमेरिकन खाते हो वो सारी यहाँ पे, ताकि उनको बिल्कुल ही परेशानी ना हो, इसलिए वो अपना सारा पैसा यहाँ पे आके स्पेंड भी करते हैं। और मौसम पूरे साल सेम रहता है, गर्मी सर्दी कुछ ऐसा होता नहीं, यही थोड़ी तीखी धूप रहती है, हवा चलती रहती है, ठंड पड़ती नहीं। इसके मेरे ख्याल से बहामास के 700 आइलैंड है छोटे छोटे, और ये जो अमीर अमीर लोग आते हैं ना, काफ़ी बिलियनियर्स ऐसे भी है जिन्होंने अपने प्राइवेट आइलैंड खरीद रखे इधर। इसके अलावा यहाँ पे ना एक, अगर आप आओ तो एक बीच है जिधर आप ना पिग्स के साथ यानी कि सुअरों के साथ स्विम कर सकते हो। उस बीच पे एक जूमा में है, वो पिग बीच बोलते हैं उसे। बाकी ये भी माना जाता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस की वन ऑफ द फर्स्ट प्लेसेस जो उन्होंने डिस्कवर करी थी वो यही थी। या तो माना जाता है कि भाई सैन सेल्वाडोर थी या फिर बहामास थी, इन दोनों में से कोई एक है, श्योर नहीं है अभी तक, पता नहीं किसी को फाइनल, पर इन दोनों में से कोई मानी जाती है। यहाँ पे एक ये चर्च भी है खूबसूरत सा। बाकी 90% से ज़्यादा यहाँ पे क्रिश्चियनिटी है, और जो थोड़े बहुत बचे वो कोई भी रिलीजन को नहीं मानते। 2-4% ऐसे लोग भी है जो इनके फोक रिलीजन्स को फॉलो करते हैं। भाई ये है बाकी पायरेट्स ऑफ नसाओ जो इनकी कैपिटल सिटी है। यहाँ पे भाई पायरेट्स का बहुत रुतबा था इस इलाके में, जितने 1600 से 1700 को गोल्डन एरा या गोल्डन एज बोला जाता है। तो इस टाइम पीरियड के बीच में ना इनके जो भी पायरेट्स थे, जो भी मर्चेंट शिप्स गुजरती थी ये कैरेबियन सी में से, उनको लुटा करते थे और बहुत पैसा कमाया उस टाइम 1600 से 1700 के बीच में इनके पायरेट्स ने। मतलब स्पेशली गोल्ड और नमक उस टाइम लूटा जाता था शिप्स में से थोड़ा थोड़ा ना। बाकी मेरे को ये मोनाको जैसा लग रहा है, यूरोप में जैसे सारे पैसे वाले फ्रांस के लोग और पूरी दुनिया के जितने भी यॉट के मालिक है पैसे वाले, कैसीनो खेलने यॉट लेके मोनाको आते हैं, उधर भी समुद्र है पास में, वैसे ही अमेरिका वाले इधर आते हैं। और वैसी सी रोड्स है, वैसी सी महंगी महंगी गाड़ियाँ सुपरकार्स वगैरह दिख रही हैं यहाँ भी, उतनी तो नहीं मोनाको जितनी, मोनाको में थोड़ा गाड़ी होगा ज़्यादा, सुपरकार्स बहुत ज़्यादा दिखती है, पर महंगी गाड़ी यहाँ भी ज़रूर दिख रही है। और वही सारे पैसे वाले लोग छुट्टी मनाने, सारे टूरिस्ट, छोटी कंट्री ये भी, मोनाको भी छोटी, थोड़ा सा मेरे को रिलेटेबल लग रहा है मोनाको से। ये देखो सड़कों के नाम भी बिल्कुल US में जैसे लिखे होते हैं ना, उसी स्टाइल में इधर भी लिखे हुए। दोबारा से पोर्ट के नज़दीक आ गए हम, और इधर भीड़ थोड़ी ज़्यादा है लेकिन अब कम हो रही है, क्योंकि अब जो क्रूज़ है वो पोर्ट से निकलने का टाइम हो गया उनका, तो भीड़ अब कम होती जाएगी, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। सामने खड़ी तो है क्रूज शिप्स, पर उनके अब गेट बंद होने का टाइम हो जाता है। देखो अभी 3:30 हो गए, और जब हम आए थे तो ये जो कितना भरा हुआ था ये स्क्वायर, 12-1 बजे के अराउंड इतनी भीड़ थी यहाँ पे, सारे अंग्रेज चल रहे थे, और अब देखो टूरिस्ट बिल्कुल ना के बराबर है, वो सारे क्रूज़ के अंदर जाली होंगे। अभी तो लोकल्स हैं, आगे थोड़े बहुत यही दिखेंगे, ब्लैक्स हैं मोस्टली इधर के लोकल्स, तो सारा काम करके अपना वो भी ख़त्म करने की काम तैयारी में होंगे। ये बस का वो है स्टेशन जिधर हम उतरे थे, पास में एक सुपरमार्केट है, हम उधर जाने लग रहे हैं अभी, पे साइड फूड स्टोर, अंदर चल के थोड़े से आपको सुपरमार्केट के रेट भी दिखा दूंगा। चलो मेरे को लग रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी सारे अमरीकी होंगे ना। ये है भाई प्याज $1.29 यानी कि 100 रुपये के एक पाउंड यानी कि 450 ग्राम, तो 1 किलो हो गए 225 रुपये के प्याज यहाँ पे 1 किलो। और क्या चीज़ है, ये ब्रोकली मेरे ख्याल 400 रुपये की एक। ये है भाई शकरकंदी $1 की, यानी कि शकरकंदी भी 200 रुपये किलो। होल है ना, हाँ ये 2 लीटर है, तो कितने का ये 4.49, तो यानी कि $4.50 का, 400 रुपये का 2 लीटर दूध है, 200 रुपये का 1 लीटर दूध है भाई इधर। ये है भाई $6 का, US में मैं यही लेता था, मेरे ख्याल $3-3.5 का आता था US में, यहाँ पे ये है $6 का, मतलब अमेरिका से भी 2 गुना रेट है यहाँ पे। ये हम ले आए भाई ग्रोसरी स्टोर से सामान, ये है दूध 2 लीटर दूध, एक कोलगेट, पीनट बटर, सेब, संतरे, कैश्यूज, पीनट्स, ये एक वेफर से ले लिए बैग में पड़े रहे इमरजेंसी के लिए, और बिस्कुट ले लिए इमरजेंसी के लिए, और ये खूब सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह के पैकेट्स, और ये पानी, और ये नेचुरल जूस, ये सारा मिला के हमारा बिल आया $43। $43 बनते हैं इंडिया के लगभग 4000 से थोड़े कम 3700-3800 रुपये बनते होंगे, पर सही है यही खा। ये अब हमारा यूँ मान लो नवांगपुर का, तो इसने तो सिर्फ इसमें से दूध पिएगा और जूस पी रहा है, बाकी मेरा ही है, पर देखा जाए तो 3-4 टाइम का खाना है। वैसे अगर मैं बाहर कहीं खाऊं तो $150-200 मान लो आप इसका, वो मेरे को पड़ेगा $35-36 का वही सब चीज़, और उससे ज़्यादा न्यूट्रिशियस। एक ना भाई इधर हर दुकान पे पता नहीं क्या है, रम केक, बहामन रम केक अवेलेबल हर दुकान पे लिखा हुआ है, बकार्डी कंपनी का आता है शायद, और पता नहीं वो इधर का पॉपुलर है क्या है, बहुत जगह मैंने दुकानों के बाहर लिखा देख लिया,
ऐसे ही एक सोवेनियर शॉप में आ गए हम अपनी फ्रिज मैग्नेट लेने के लिए। हर देश से जैसे कि मैं कलेक्ट करता हूँ फ्रिज मैग्नेट। महंगे हैं, $4.95 का ये। $5 की एक है और 6 की भी है, यानी कि 400-450 रुपए की है एक फ्रिज मैग्नेट। भाई इतनी बड़ी बड़ी सोवेनियर की दुकानें हैं ना यहाँ पे, कम से कम 6-7 जगह तो फ्रिज मैग्नेट थी, और इतनी सोवेनियर की दुकानें हैं यहाँ पे। मैंने भाई किसी और जगह पे, इतनी कम जगह में इतनी सारी दुकानें नहीं देखी होगी सोवेनियर की। कई देशों में होती है पर कईयों में तो बहुत मुश्किल से मिलती है, इधर तो भाई एक दुकान के साथ एक, उसके साथ में एक, इतनी सारी सोवेनियर की दुकानें। भाई अब हम आगे वापस बस की तरफ अपनी मैग्नेट्स वगैरह लेके, सोवेनियर जो भी लेना था। अब क्योंकि बस 6:30 बजे लास्ट चलती है तो शहर खाली होने लग रहा है, तो देखो सारी बसें एकदम खड़ी है लोगों के इंतज़ार में, जिसे बैठना बैठ जाओ। ये बस है भाई डाउनटाउन केबल बीच, वेस्ट बे स्ट्रीट, फिश फ्राई, ऑरेंज हिल और गंभीर विलेज, इधर जाइए। ये जाएगी अपनी बस टिल द सोलोमन फ्रेश मार्केट नेक्स्ट टू द ओशन। नाउ व्हिच बस विल गो देयर डू यू नो? 12। ओके थैंक यू। ये शायद ना प्राइवेट है बस सर्विस, इस पर भी लिखा हो जैसे वेन्स बस सर्विस, तभी हो सकता है उन्होंने एयरपोर्ट पे हमें ना बताया। ये देखो अलग अलग है, वो है, वो देखो वो है QK बस सर्विस, और ये वाली कौन सी है क्लासिकल ट्रांसपोर्टेशन। तो ये सारी प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन है, सरकारी नहीं है। ये भी जो है सरकार की तरफ से तो मेरे ख्याल कोई है ही नहीं फिर ट्रांसपोर्टेशन। हमें बताएगी ना 12 नंबर बस जाएगी जिधर हमारा होटल है उस तरफ, तो हम इंतज़ार कर लेते हैं 12। ये तो इधर तो 21 नंबर है, 20 नंबर है, इनके सबके अलग अलग रूट है। ये 16 नंबर है, तो हर नंबर बस का अलग रूट है, हमारी तरफ जाएगी 12 नंबर। What's your name? Kevin. Kevin. My name is DJ. DJ. Nice to meet you guys. Have a good day. 12B है पर ये तो पूछियो। बैठ गए भाई बस में अपन और चल पड़ी बस। घूम फिर के आगे भाई हम वापस। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये है कोको कबाना, एक रेस्टोरेंट और एक ट्रैवलर्स बेस्ट करके रेस्टोरेंट, ये तो शायद सेम ही ओनर के है। ये सबसे नजदीक दो रेस्टोरेंट है, हम बस में थोड़ा आगे उतरे, हालांकि हमारा होटल पीछे रह गया था, कहीं भी रुकवा सकते हैं बस तो, पर थोड़ा लेट बोल रहे हम। कल रात को मैं आया ना तो ये रेस्टोरेंट से एकदम फुल थे, मतलब बिल्कुल भी जगह नहीं थी, अभी तो खाली पड़े थे, रात के टाइम में एकदम फुल, और काफ़ी महंगे थे रेस्टोरेंट्स भी, हालांकि सिंपल से लग रहे। पीछे वहाँ पे हॉस्टल जिधर हम रुके हुए, ये समुद्र है, खूबसूरत नज़ारा है, तो मैंने सोचा अभी सनसेट देख लेता हूँ, सनसेट देख के जाऊँगा वापस हॉस्टल में। इंडिया से स्पेशली इधर आने का तो कोई फ़ायदा नहीं, अगर आप US में स्पेशली आप फ्लोरिडा में है, मियामी के आसपास है, तो आप क्रूज़ लेके आ सकते हैं, फिर आपको फ़्लाइट्स भी मिल सकती है वहाँ से, ईजिली फ्लाइट लेके भी आ सकते हैं, पर डिपेंड करता है कौन हो आप। तो अगर आप भी बजट ट्रैवलर हो तो इम्पॉसिबल आना और ना कोई फ़ायदा, लेकिन अगर आप हनीमून के लिए थोड़ी एक रोमांटिक डेस्टिनेशन चूज़ करना चाहते हैं इंडिया में हो तो मालदीव चले जाओ, इधर आने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन US हो, आसपास में कहीं जाना चाहते हो, नॉर्थ अमेरिका आए हुए हो, सेंट्रल अमेरिका हो, कैरेबियन आइलैंड्स हो या साउथ अमेरिका में हो, तो फिर भी तुक बनता है इधर आने का। अपने को तो पता ही नहीं होता कहाँ ये बहामास, सलमान खान ऐड करते हैं उन चप्पलों की बहामास नाम से, अपने को तो लगता है वो चप्पल ही है बहामास, पर एक्चुअली एक देश है। यहीं पीछे होटल है, बाकी अपना होटल तो गए, हम तो डॉर्म में रुके हुए हैं, मतलब इकलौता यही हॉस्टल है पूरे बहामास का सबसे सस्ता हॉस्टल हमने ढूंढा था, नवांकुर ने ढूंढा था, और ये ना होटल हमें पड़ा था $153 का एक बेड, वो भी शेर डॉम में 2 रात के लिए, तो यानी कि $75-76 का एक बेड है यहाँ पे एक रात का, और एक बेड पे 2 जने सो सकते हैं। और वैसे वैसे कमरे में मेरे ख्याल से कितने बेड थे, 12 बेड है एक कमरे में, और हर बेड से वो लेते $75, तो आप हिसाब लगा लो कितने पैसे हो गए, बेसिकली ₹80,000 किराया है सिर्फ एक कमरे का एक रात का, महीने का कितना ₹24,00,000 किराया आ रहा है इनको सिर्फ एक कमरे से, और ऐसे ऐसे पता नहीं कितने कमरे हैं, साल के सिर्फ हमारे कमरे से हो गए ₹2.5 करोड़ से ज़्यादा रुपए, मतलब एक साल में सिर्फ एक कमरे को किराए पे देके ₹2.5 करोड़ से ज़्यादा कमा रहे, और बुक रहता है हमेशा बुक्ड, फुली बुक्ड, टाइम से नहीं कराओगे तो ये भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सारे रिजॉर्ट्स ऐसे ही है, एक रात का 20-30 हज़ार से कम कुछ मिलना बहुत मुश्किल है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। Silence takes a hold, I can't let it go, chin up, no one knows.